जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जिस तरीके से भारतवर्ष का जो है डिजिटाइजेशन हो रहा है, और डिजिटाइजेशन जो है पहले ऑफिसेज का हो रहा था, उसके अलावा जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का भी डिजिटाइजेशन हुआ, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना था कि पेड़ों का भी डिजिटाइजेशन हो सकता है। मैं पेड़ों का जब नाम लेता हूँ तो ख़ासतौर पर जम्मू विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर उमेश राय, उनकी ये धारणा थी कि किसी तरीके से क्या हम पेड़ों को भी डिजिटाइज कर सकते हैं, उनके नाम, उनके फ़ायदे और उनका लोकल नेम क्या है, क्या उसको हम डिजिटाइज कर सकते हैं। तो उसी कंसेप्ट के ऊपर जो है HOD बॉटनी प्रोफेसर सुशील वर्मा ने एक कंसेप्ट दिया कि हम जो है QR कोड में एक पेड़ की इंफॉर्मेशन जो है वो कैप्चर करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। और आज जम्मू विश्वविद्यालय में ये कार्य हो रहा है। इस कार्य को करने वाले जो लोग हैं वो डिपार्टमेंट के स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ हैं, और हमारे साथ एक व्यक्ति भी हैं जिनका नाम अनिकेत है। अनिकेत, आप इसी डिपार्टमेंट के प्रोडक्ट हैं, तो क्या कैसा लग रहा है, बिकॉज आप टैक्सोनॉमी भी पसंद करते हैं, तो कैसा लग रहा है आज पेड़ को डिजिटाइज होते हुए? सर, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर जो है ये इनिशिएटिव लिया गया, जिसके थ्रू जो है आजकल हम जो लोग हैं वो बेसिक जो एक बॉटनी है या जो प्लांट्स हैं उनके बारे में हम भूलते जा रहे हैं, हम मॉडर्न की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जो टेक्निक्स है वगैरह, लेकिन हमें जो अपनी बेसिक ट्रेडिशनल जो बॉटनी है, जो प्लांट्स हैं उनका क्या नाम है, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो मेनली उनका क्या यूज़ है, उनको किस तरीके से क्या मेडिसिनल यूज़ है या उसको हम कमर्शियली कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो इस सब की इन्फॉर्मेशन को एक जगह पे गैदर करके ताकि हर एक जो लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठा सके, तो एक बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है हमारे डिपार्टमेंट ने लिया है। और मैंने पुराने ज़माने में अनिकेत ऐसा भी होता था कि बुज़ुर्ग लोगों को मालूम था कि एक पेड़ का नाम क्या है और उसके पत्तों से या उसके रूट से या उसके कोई भी ऐसे अंग से, जिस अंग से कोई जो है किसी भी बीमारी का जो है इलाज हो, उनको मालूम होता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रही वैसे वैसे वो कहीं ना कहीं वो जो पौराणिक हमारी एक सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी। तो आज जो इसका डिजिटाइजेशन किया गया, खासतौर पर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और इसमें एक पेड़ की पूरी इंफॉर्मेशन डाली गई, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं जो ये नॉलेज ट्रांसमिशन इंडेक्स, जो एक गैप होता था नॉलेज ट्रांसमिशन का, ये कहीं ना कहीं फिल करेगा? यस, बिल्कुल एग्जैक्टली। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऐसे जो आजकल जो पुराने लोग थे, अब ड्यू टू सर्टन रीजंस उनकी डेथ हो रही है, मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी पास ऑन नहीं हो रही, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जिसमें क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है जो आज की जनरेशन है वो उस इन्फॉर्मेशन को जान सकेगी, क्योंकि वही चीज़ है, एक जो गैप है वो फिल होने हो सकता है। हमारे साथ एक और स्कॉलर जुड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप भी इस प्रोजेक्ट में थे, कैसा लगा, किस तरीके का ये प्रोजेक्ट था, और ख़ास तौर पे पूरे जम्मू विश्वविद्यालय के जो है ये पेड़ जो है इनको डिजिटाइज करना, इनकी इन्फॉर्मेशन जो है रिकॉर्ड करना और हर एक QR कोड में उसी पेड़ की इन्फॉर्मेशन डालना, कितना मुश्किल था? मुश्किल तो सर है, बट क्योंकि कुछ नया है तो वो हमें और इंथ्यूजियास करते हैं कि हाँ हमें करना है। और सबसे बड़ी बात, जो लेमैन है या जिनको पता नहीं है ये प्लांट क्या है, अभी हम इधर पीछे लगा रहे थे तो किसी ने पूछा कि ये क्या है, हमें तो पता ही नहीं है प्लांट्स के नाम भी होते हैं, उन्होंने बोला हमें तो ये भी नहीं पता कि कोई साइंटिफिक नेम भी होता है। तो आई थिंक ये उनको बहुत नॉलेज देगा। और इसके यूज़ क्या है, सबसे बड़ी बात, उसमें तो शीट पर सब बताया कि इसके लीव्स इसलिए यूज़ होते हैं, रूट इसलिए यूज़ होते हैं, स्टेम इसलिए यूज़ होती है, तो उनको पता लगेगा, उसकी इम्पोर्टेंस पता लगेगी, तो उनको उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए और अच्छा। कल को जब आपकी कहीं पे जो है प्लेसमेंट हो जाएगी, आप हायर एजुकेशन में या किसी भी पद पे जो है ग्रहण हो जाएंगे, तो क्या उसके बाद भी आप जो है इस इनिशिएटिव को आगे कैरी ऑन करोगे? सर, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि लोगों को फैमिलियर करना ट्री से, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वन ऑफ द, और मतलब लोगों को इम्पोर्टेंस बताना, तो ये एक सोशल वेलफेयर का काम भी है, तो और प्लांट्स की सेवा भी है, और हम बॉटनिस्ट हैं, हमारा काम है करना। हमारे साथ जुड़ी हैं पुनमृता जी। पुनमृता जी स्कॉलर हैं बॉटनी डिपार्टमेंट की। इस QR कोड को बनाने में ख़ास तौर पे कितना वक्त लगा और किस तरीके से इसके ऊपर काम हुआ, कितने बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, इसके बारे में कुछ बताएं। श्योर सर। सर, बेसिकली ये काम हमें सर ने जब बताया इसके बारे में, तो हमें 4-5 स्टूडेंट्स की टीम को अलॉट किया गया था ये काम। एट द बिगनिंग ऑफ मार्च के अराउंड हमें सर ने बोला था, तो ये सारा काम हमने मार्च से इनिशिएट किया है। अप्रैल एंड अब मई आपके सामने, ऑलमोस्ट 3 months की ये एक्टिविटी पूरी हमारी, मोर देन 3 months एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी टाइम इन्वेस्ट हो चुका है इस पर। तो सर, बेसिकली हमने पहले पूरा फ्लोरा यूनिवर्सिटी का खुद ही डिफरेंट जगह पर विजिट्स करके उसका डेटा कलेक्ट किया, फील्ड पर हमारा जो
फिज़िकल पूरी एक्सरसाइज ये रही। उसके बाद जब हमारे ये एक्टिविटी कंप्लीट हुई, उसके बाद हमने एक इसका पूरा कंप्लीट डेटा शीट बनाया कि कितने प्लांट्स कितनी क्वांटिटी में है, उनका नंबर्स क्या है, बेसिकली अगर एक स्पीशीज है तो वो कितनी है इस कैंपस में, राइट? कितने पेड़ खास तौर पे इस कैंपस में लगे हैं, ये जो जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में? अगर हम नंबर्स में बात करें तो आई थिंक बेसिकली जो हमने डेटा शीट स्प्रेड बनाई उसमें अराउंड 1600 प्लांट्स, 1600 प्लांट्स, जी सर, मोर देन 1600, कुछ शीट्स ऊपर ही होंगे, तो मोर देन 1600 प्लांट्स का हमने ये पूरा QR कोड स्कैन करके बनाया है। तो रिकॉर्ड बना, उसके बाद हमने इसके सर हमने IT डिपार्टमेंट से थोड़ी हेल्प लेके वेबसाइट का एक पर प्लांट हमने एक URL एक लिंक लिया, बिल्कुल बिल्कुल, एक स्पेस ली वेबसाइट हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, और फिर उस URL के अगेंस्ट हमने ये QR कोड प्रोड्यूस किया। तो इन QR कोड्स को खासतौर पर प्रिंट करवाना और उसके बाद इन प्लेट्स को डेवलप करना, क्योंकि 1600 प्लेटें तो छोटी मोटी बात है नहीं, ठीक है? तो अभी तक आप, आज चौथा पांचवा दिन है, अभी तक आपने कितने प्लांट्स के ऊपर, कितने ट्रीज के ऊपर ये प्लेट्स लगा दी? श्योर सर, टुडे इज एक्चुअली डे 6, हमारा ये है डे 6 ऑफ दिस इनिशिएटिव के हम QR कोड्स प्लांट्स पे लगा रहे हैं। सो अराउंड हमने सर 600-700 प्लस शीट्स हमने लगा दी हैं। तो अब कितने दिन में आने वाले वक्त के, कितने दिन में जो जम्मू यूनिवर्सिटी पूरी डिजिटाइज हो जाएगी? सर विद इन नेक्स्ट वीक प्रोबेबली हम सारा कैंपस कवर कर चुके हैं, सारा कैंपस, वी हैव कवर्ड मोर देन हाफ ऑफ द कैंपस ऑलरेडी, थोड़ी शीट्स बीच में अब जहाँ पे थोड़ी लोकेशंस की रहती हैं, तो विद नेक्स्ट वीक तक सारा काम कम्प्लीट। तो ये जो प्लेयर्स, क्योंकि आप सब तकरीबन इसमें लड़कियाँ ही हो जो ये काम कर रही हैं, तो कितना इन प्लेट्स का कितना वजन होता है, और जब इनको उठा के आप चलते हैं और ख़ास तौर पे जब लगाते हैं, होता है जैसे जम्मू विश्वविद्यालय में आपके दोस्त दूसरे डिपार्टमेंट्स में हैं तो वो कभी देखते हैं आपको पेड़ पे ये लगाते हुए QR कोड, तो क्या बोलते हैं और कैसा लगता है? नहीं सर, हमें काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, टू बी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं था कि कोई कुछ ऐसा, तो पीपल विल ऑलवेज क्यूरियस कि ये क्या चीज़ है और कैसे, और अगर हम उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे भी रहे हैं कि ऐसा कुछ है, दे वर वेरी प्राउड कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा यूनिवर्सिटी की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला है हमें अभी तक, और जिन लोगों को नहीं भी पता तो अब पता चल ही जाएगा। तो आपने क्योंकि खुद भी MSc बॉटनी की है, तो MSc बॉटनी में टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी, तो क्या तब आपको इतने पेड़ों के नाम याद थे कि अब जब आपने खुद एक प्रैक्टिकल वे से ये पूरा, डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ये चीज़ तो यहाँ पे सामने है, जितनी शायद हमें पहले फील्ड में इतनी नॉलेज नहीं थी, बुक्स का बेशक हमें थोड़ा था, बट फील्ड नॉलेज इज ऑलवेज बेटर थिंग जो आपको एक आगे ले जाएगी, बिल्कुल जो आपको आगे ले जाएगी, तो फील्ड में आप जब खुद प्रैक्टिस करते हैं ये चीज़ें, तो आपको डेफिनेटली काफ़ी नई चीज़ें पता चलती हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें पता चलती हैं। अच्छी चीज़ हमारे साथ एक और स्कॉलर जुड़े हैं, इनका नाम शाइनी सिंह है, ये भी वनस्पति विभाग से हैं। तो शाइनी जी, आप एक QR कोड लगा रहे हैं पेड़ों के ऊपर, कैसा रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है, खासतौर पर जैसे जो स्कॉलर या जो लोग आपको मिलते हैं रास्ते में जब आप लगाते रहते हैं, क्या कहते हैं, कोई पूछता है कि भाई क्या कर रहे हो? सर डेफिनेटली जो जो एरिया हमने अभी तक कवर किया है, एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड, पीपल आर थिंकिंग कि दिस इज़ अ न्यू इनिशिएटिव एंड एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू पार्टिसिपेट। हमने काफ़ी सारे स्कॉलर्स को भी ऐड किया है, काफ़ी सारे हम हर एक डिपार्टमेंट की फैकल्टीज़ को बुला बुला के उनसे भी पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, तो जितना हमें एक्सपेक्टेड था आई थिंक उससे बेटर रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। सो आई थिंक ऐसे इनिशिएटिव हम फर्दर आगे टेक फर्दर कर सकते हैं, इसको मे बी म्यूनिसिपल लेवल पर भी लेके जा सकते हैं अंडर जम्मू स्मार्ट सिटी प्लान, सो आई थिंक इट इज़ वेल सपोर्टेड। अभी क्या लगता है, क्योंकि इंट्रैक्शन प्लांट्स के साथ बातचीत करना, हमने पहले सुना था कि पौधे बोलते हैं, वो किस तरीके से बोलते हैं, एक्सप्रेशन क्या है उसके, उस पर साइंस काम कर रही है, लेकिन ख़ास तौर पे उस पौधे का नाम और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन एक क्विक रिस्पॉन्स कोड में डेवलप करना और उसके बाद लोगों तक पहुँचाना, कैसा लगता है? सर ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा है, बिकॉज मुझे बाकियों का नहीं पता बट मैंने खुद भी बहुत सीखा है। ग्राउंड लेवल पे जब हम आइडेंटिफिकेशन पे जाते हैं प्लांट्स की, तो हम पढ़ते तो हैं किताबों में, बट व्हेन वी लुक एट द प्लांट तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ कुछ स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट करना। आई थिंक उसके पर्सपेक्टिव से इट इज़ वेरी गुड कि हम स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन वी आर मेकिंग इट ईजी फॉर द पीपल, आपको सिर्फ एक QR कोड स्कैन करना है एंड यू गेट द एंटायर डिटेल, एंड प्लस उसके साथ एडिशनली मेडिसिनल एज वेल एज उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी हमने ऐड की हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा अर्जुन छाल क्या होता है, अब वो देख के ऐसे बता सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स, सो दिस इज़ मेकिंग इन्फॉर्मेशन राइट एट योर हैंड। बींग ए स्कॉलर ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट, डू यू थिंक दैट दिस इनिशिएटिव विल गवर्नमेंट विल टेक अप दिस इनिशिएटिव टुवर्ड्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल? सो आई थिंक
आपकी तरफ से एंड बाकी मीडिया सोर्सेज की तरफ से भी जो हमें इतना सारा सपोर्ट मिला है एंड इतने सारे प्लेटफॉर्म्स ने इसको कवर किया है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड हो गया एंड उनको भी फर्दर लगता है कि इसको सपोर्ट करना चाहिए, तो आई थिंक इट विल बी बेटर, इट विल बी एक्चुअली वेरी गुड कि अगर वो इसको फर्दर लेवल पे लेके जाएं और कॉमन पीपल को भी मोर एंगेजमेंट मिलेगी कौन से प्लांट्स होते हैं, उनके यूजेस क्या होते हैं, तो लोगों की जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी. तो कितना हैक्टिक था ये प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी भी आप जो है इस इन QR कोड्स को लगा रहे हैं, 1600 से जायद प्लांट्स जो हैं पूरे जम्मू विश्वविद्यालय में हैं, तो अभी और एक और हफ्ता और लग जाएगा. कभी कभी थक भी जाते हो कि भाई कहाँ लगा दिया, कौन से काम पे लगा दिया? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है, वो एक्साइटमेंट ही इतनी है कि हम कहीं कहीं होता है जब धूप बहुत ज़्यादा होती है, बट देन वी सी द रिज़ल्ट, हम लोगों को एंगेजमेंट देखते हैं, लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, सुबह सुबह जो लोग वॉक करने आते हैं अब उनको भी पता है कि अच्छा टाइगर क्लॉ प्लांट कौन सा है, देन इतने सुंदर फूल लगे अभी नीली गुलमोहर को, अब उनको पता है कि इसको नीली गुलमोहर कहते हैं, तो ये सब रिजल्ट्स देख के इट इज़ मोटिवेटिंग अस एवरी डे, तो होपफुली हम विद इन अ वीक सारा कम्प्लीट कर देंगे. ये उन लोगों की बात थी जिन लोगों ने इस QR कोड के बैकएंड पे काम किया है. बेशक जम्मू विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय का एक कंसेप्ट था जिसको कि कंसीव करने वाले जो थे प्रोफेसर सुशील वर्मा, जो HOD बॉटनी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू थे, जिन्होंने इस कंसेप्ट को जो है ग्राउंड लेवल तक उतारा. लेकिन उसके पीछे ये सब स्कॉलर्स थे और कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी थे जो इसमें इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, और इन्होंने इसको इस पेड़ के नाम को इस तक पहुँचाने का पूरा कार्यभाग संभाला. और ख़ासतौर पर आज जम्मू कश्मीर की पहला ऐसा विश्वविद्यालय है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में पहला एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके अंदर जितने भी पेड़ हैं, जितने भी पौधे हैं, उन सब के ऊपर QR कोड लगाए गए हैं और इसको डिजिटाइज किया गया है. आप जुड़ते हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रेट लाइन.